दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो मोबाइल आप देख रहे हैं यह है वीवो वाई 71 मॉडल और इस मोबाइल का FRP अनलॉक करके आज आपको दिखाएंगे हम मेडिकल बॉक्स से। दोस्तों मैं बता दूं कि ये मोबाइल में FRP अनलॉक करने के लिए आपको इसमें जो है टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करके इसमें ADL मोड लाना होगा, तभी आप इसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें आप जो है इसमें ऑटोमेटिकली आप इसे बूट नहीं करा सकते मेडिकल बॉक्स से, इसमें आपको मैनुअल बूट कराना होगा। तो मैनुअल बूट कराने के लिए आपको इसमें लोडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि फायर हाउस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। उस फाइल के जरिए से आप इस मोबाइल को बूट करा सकते हैं और इसका FRP रीसेट कर सकते हैं मेडिकल बॉक्स से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मोबाइल के अंदर में जो है यहाँ पर गूगल अकाउंट लॉक लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि FRP लॉक है, यहाँ पर साइन इन मांगा जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल का पहले आपको ढक्कन निकालना होगा। इस मोबाइल को जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है और इस मोबाइल का ADL मोड लाने के लिए आपको ये बैटरी कनेक्टर निकालना होगा। उसके बाद ये टेस्टिंग पॉइंट आप देख रहे हैं, ये टेस्टिंग पॉइंट को आपको शॉर्ट करके रखना होगा बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद। उसके बाद डाटा केबल आपको लगाना है और जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें ADL मोड आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कंप्यूटर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोडर फाइल है और ये लोडर फाइल यानी कि फायर हाउस फाइल, ठीक है, ये फ्लैश फाइल के अंदर में होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस फाइल के जरिए से आप जो है मैनुअली बूट करा करके मोबाइल का FRP रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने जो मेडिकल टूल जो ओपन कर लिया है, वेलकम टूल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद रीड फ्लैश फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो जो है यहाँ पे ऑटो का चेक हटाना है आपको और यहाँ मैनुअल आपको ये फाइल सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों डेस्कटॉप पे हमारा फाइल है और ये लोडर फाइल, चलिए लोडर फाइल को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और लोडर फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है और मोबाइल को ADL मोड में लगाना जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया, ठीक है। और यहाँ एक्स्ट्रा पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको QD लोडर 9008 आपको यहाँ पे पोर्ट सिलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर ओपन करके हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि आपको मोबाइल को जो है टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करके ADL मोड में लाना है। और जब ADL मोड में आ जाएगा ये मोबाइल, उसके बाद आपको यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक करके जो है QD लोडर 9008 आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ADL मोड आ चुका है, चलिए पोर्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पे ADL मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपको जो है रिमूव अदर अकाउंट लॉक पे चेक लगाना है, उसके बाद स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप स्टार्ट बटन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल बूट करेगा और आपका FRP यहाँ से जो है रीसेट हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल बूट कर चुका है और इसका FRP यहाँ जो है सक्सेसफुली जो है रीसेट हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एंड्रॉयड वर्जन है 8.1.0। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 अगर मोबाइल आपके पास है तो उसका आप जो है लोडर फाइल डाउनलोड करके उसका जो है FRP रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।